उसके बाद हम लोगों का आपने एनलाइटन किया अपने थॉट से। देखिए मैं मतलब जो मैं आप मेरा जो एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो भैया जो मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और लाइफ में आपने एक्सपीरियंस करता है सोशलाइजेशन से, और सोशलाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है बहुत लोगों का रहता है, लेकिन आपकी जो मदर रहती है किसी की भी माँ रहती है उसमें शायद सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी अकेले भी पाते हैं, ये सच्चाई है, सब आपको तो कह भी करते हैं सभी की माएँ, चाहे वो आदमी कैसा भी हो उसकी माँ सबसे ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो जब हम बोलते हैं नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, तो आप हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमें नारी सशक्तिकरण। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि उसका मेन कारण ये है, कोई भी समाज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हर इंस्टीट्यूशन के होते हैं जिसको हम लोग पैसे होते हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं हर इंस्टीट्यूशन के। आईएएस कॉलेज है तो इसके भी कोई ना कोई बायसेस रहेंगे, मेरे घर में कुछ बायसेस होंगे, मेरा डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट है उसके बायसेस होंगे, समाज के बायसेस हैं, इंडियन सोसाइटी के बायसेस हैं, बिहार सोसाइटी के बायसेस हैं, हर सोसाइटी के अपने बायसेस होते हैं। और उन बायसेस का कुछ लोग एडवांटेज उठाते हैं, कुछ लोग डिसएडवांटेजेस पोजिशन में रहते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी के बायसेस की वजह से इंडिया की जो कुछ कुछ कम्युनिटीज थी जिनको कास्ट पे डिवाइड किया गया और उसके बाद में सबसे नीचे रखा गया, वो डिसएडवांटेज भी थी, लेकिन जो अपर कास्ट थी वो एडवांटेज भी थी। सेम चीज फैमिली में, क्योंकि फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उस फैमिली के भी अपने बायसेस थे। उन बायसेस का हिस्टोरिकल रीजन की वजह से जो मेल मेंबर थे वो डोमिनेट करते चले गए, और फीमेल क्योंकि बायोलॉजी के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरह से हम लोग ट्राइबल से ट्राइबल सोसाइटी से एग्रीकल्चर सोसाइटी की तरफ मूव किए, तो एक जरूरत थी कि एक आदमी बाहर रहेगा, लेडीजन बाहर रहेगा, घर का एक मेंबर अंदर रहेगा, तो डिसाइड किया गया कि बायोलॉजिकल रीजन की वजह से महिलाएं अंदर रहेंगी। तो धीरे धीरे हिस्टोरिकल जो बायसेस हैं वो धीरे धीरे इनजस्टिस की तरफ बदलते गए, कि जो जिसको हम लोग अभी बोलते हैं कि महिलाओं को दबाया गया, महिलाओं का शोषण हुआ, तो वो इनजस्टिस धीरे धीरे हिस्टोरिकल ही है और वो बहुत ही एकदम नेचुरल प्रोसेस रही है। तो क्यों उस नेचुरल प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो मेरे को लगता है कि वो चेंज करने के लिए सबसे मेन रीजन ये है कि कोई भी इंसान जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, उसकी एजेंसी रहती है, हर इंसान की एक एजेंसी है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं पैदा हुआ तो मेरी एक एजेंसी है, आप सब लोगों की अपनी एजेंसी है, हर जितने भी लोग हैं सबके अपनी एजेंसी है। उस एजेंसी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि वो एजेंसी इसलिए आती है ताकि उसकी खुद की चॉइस रहे, उसकी खुद की डिसीजन मेकिंग रहे कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसको क्या उसको डिसीजन लेने हैं, वो डिसीजन कोई और डिसाइड नहीं करे। ये उस ह्यूमन एजेंसी का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर किसी के पास कोई एजेंसी नहीं रहेगी तो फिर उसका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये जो एजेंसी का कॉन्सेप्ट है कि एजेंसी होनी चाहिए, एजेंसी की वजह एजेंसी तभी होगी जब किसी के पास चॉइस, अपनी खुद की चॉइस, पर्सनल चॉइस, बाकी पब्लिक चॉइस का नहीं, पर्सनल चॉइस, कि अगर मैं पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर के मरने तक मेरा खुद का डिसीजन रहेगा, मेरी खुद की चॉइस रहेगी, मेरे को क्या करना है, मेरे को किस तरह के फ्रेंड चाहिए, किस तरह की मेरे को एजुकेशन चाहिए, किस तरह की हेल्थ चाहिए, क्या मेरा जॉब होना चाहिए, मेरे को किस तरह का घर चाहिए, ये सब मेरी खुद की एजेंसी है। कैसी मेरी वाइफ होगी, मेरे को कब बच्चे पैदा करने हैं, कब मेरे को किसके साथ में रहना है, बात करने की, क्योंकि मेरी एजेंसी है। वो एजेंसी का अधिकार सब लोगों के पास हर एक।